नमस्कार, मैं हूं गुड्डू झा और आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेडिकल दुकानदार की हत्या के विरोध में भाजपा आरएसएस उतरे सड़क पर, टावर चौक किया जाम, आवागमन घंटों रही बाधित। जाम को हटाने पहुंचे एसडीपीओ, कहा आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। समान काम समान वेतन की मांग पर जारी है मनरेगा कर्मियों का हड़ताल। और खादी मेला में रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, सामानों में भी आकर्षक छूट। अब खबरें विस्तार से। बीती रात देवघर के ट्रेकर स्टैंड के पास अपराधियों ने तांडव मचाया। अपराधियों ने वेटनरी दवा विक्रेता विनोद वाजपेयी को उनके दुकान में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने की वजह से दुकानदार की मौत हो गई। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश बताया है। हम आपको बता दें कि दो दिनों पहले विलियम्स टाउन स्थित बीएड कॉलेज के समीप रहने वाले मृतक के भाई को जसीडी के रहने वाले केशव दुबे और बिट्टू दुबे नामक युवकों ने उनके दुकान में घुसकर जान मारने की धमकी दी थी। इसके बाद नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस हत्याकांड को इसी विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्याकांड में शामिल अभियुक्त की पहचान हो गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो दिन पहले भी हमलावर ने घर पर अटैक किया था। सूचना मिलने पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके दो में से एक लड़का गिरफ्तार भी किया गया जेपी के जरिए से, और इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया था। उनके जो आवेदक उनके छोटे भाई थे। गोलीकांड और उसमें हुई मौत के बाद आरएसएस और भाजपा ने एक साथ मिलकर इसका विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में देवघर एसपी को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता टावर चौक से बाजार बंद कराने के लिए निकल गए और बाकी कार्यकर्ताओं ने टावर चौक के पास बीच सड़क पर बैठकर आवागमन बाधित कर दिया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विजया सिंह, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय आनंद झा सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जाम कर रहे भाजपा के जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने कहा कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। उन्होंने कहा कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करे और इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री के आप सचिव को भी दिया गया है। देवघर शहर में लगातार महीने दिन में 9 कांड हो गया और हमारे जो संघ के व्यवस्था प्रमुख थे उनके भाई के साथ एक जघन अपराध हुआ है। जो हत्या हुई है इसकी सूचना यहाँ के नगर थाना प्रभारी को एफआईआर करके दिया गया था। सुरक्षा का मांग भी किया गया था, लेकिन यहाँ प्रशासन के तरफ जो है ध्यान नहीं दिया गया, चुप हुआ। और उसके चलते सोशल मीडिया में जैसा सुना जा रहा है कि 9 घंटा पहले उन्होंने थ्रेटनिंग भी दिया था, उसके बावजूद है प्रशासन कार्रवाई नहीं की। और सरे आम देवघर के इतिहास में ये पहला घटना है कि चैलेंज करके उन्होंने हत्या किया है। ये दुखद है। हम लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन सचेत हो। ये लगातार जो हत्या हो रही है, ये हत्या बंद होनी चाहिए। और हम लोग ऊपर में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे, इस हत्याकांड के विषय में बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे। और यहाँ के प्रशासन के थ्रू जो चूक हुआ है, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अमन चमन हो। और क्या वो जो मनोबल अपराधी का जो बढ़ते जा रहा है, इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जो प्रशासन को बोलेंगे, जिस तरह करके जो थ्रेटनिंग दिया गया और फिर 9 घंटा के बीच में उसको मार दिया गया, जैसा सुनने में आ रहा है, इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि प्रशासन को सचेत करने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे शहर को किस तरह नज़र लग गया। और दूसरी बात कि हम लोग इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी कारण आज हम लोग अधिकारियों या पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? एकदम, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कार्रवाई का मांग करेंगे। और आज इस धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग खुद प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं उनके साथ जाकर हम लोग एसपी सर से भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। शहर में हाल के दिनों में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराधियों पर पुलिस की पकड़ समाप्त हो गई है। तभी तो मोबाइल के जरिए सूचना देने के बाद गोली मार दी जाती है और पुलिस देखती रहती है। पुलिस के विरोध में एक बार फिर लोगों का गुस्सा सामने आ गया।
हत्या के बाद टावर चौक पर घंटों आवागमन बाधित रहा। इस बात की सूचना मिलने के बाद देवघर SDM विशाल सागर टावर चौक पहुंचे और जाम कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे। वहीं पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी तत्परता से जांच की जाएगी और जो भी आरोपी है उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गांजे का सेवन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन लेगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और यहाँ पर हमने इनको पूरा विश्वास दिलाया है कि पुलिस टीम अच्छे से कार्य करते हुए जो भी इस घटना में आरोपी हैं उनको जल्दी पकड़ा जाएगा और इनके जितने भी आप लोग की जो भी डिमांड्स हैं उनको हम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। अगर आपको नॉन स्टिक की कुकर लेना है तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। लुमिनस इन्वर्टर चाहिए या फिर बैटरी तो हमारे रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। जूसर ग्राइंडर चाहिए या फिर घरों को सजाने के लिए सिस्का लाइट्स तो रामा इलेक्ट्रिकल्स में आइए। कई उत्पादों का समागम रामा इलेक्ट्रिकल्स, महिला थाना के सामने, देवघर, झारखंड। कॉन्टैक्ट नंबर 7903718368 7903718368। जोरियाटास गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, हीरा, अनमोल रिश्तों के लिए www.zoriatas.in। जोरियाटास। जिले के मनरेगा कर्मी पिछले 22 दिनों से अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इस दौरान रोजाना सैकड़ों मनरेगा कर्मी समाहरणालय के मुख्य द्वार के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में शायद मनरेगा कर्मियों की आवाज नहीं पहुंच रही है। इधर मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद से काम बाधित हुआ है। मनरेगा कर्मी राजेश कुमार दास ने बताया कि सरकार से मांगों के समर्थन में कई बार वार्ता करने की कोशिश की गई और वार्ता भी हुई, लेकिन सरकार अपनी हर धर्मिता छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमें समान काम, समान वेतन और अस्थायीकरण नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार से हम लोगों ने कई बार वार्ता किया, लेकिन अभी तक वार्ता के दौरान उनके द्वारा जो भी बात कहा गया, टाल मटोल कहा जा रहा है, कोई भी सफल वार्ता, लिखित वार्ता अभी तक हमारे संगठन के द्वारा नहीं किया गया है। और जब तक हमारे संगठन के साथ में समझौता लिखित पूर्वक नहीं सरकार करती है समान काम, समान वेतन, स्थायीकरण को लेकर, तब तक हम लोगों का ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगा। इधर राज्य सरकार के आदेश पर देवघर के मदरसा मैदान में राज्य स्तरीय खादी मेला लगाया गया है, जिसमें खरीदारों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि यह मेला पहले रांची में लगाया जाता था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इस मेला का देवघर में लगाया जा रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से करीब 100 स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं खादी मेला में रोजाना शाम को वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण मेला की रौनक और बढ़ गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए भी लोग खादी मेला में पहुंच रहे हैं। देवघर नगर निगम के शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है। योजना का लाभ पाने के लिए लाभुकों को सालों इंतजार करना पड़ता है। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के कई मकान अधनिर्मित हैं, जिसे पूरा करने के लिए निगम के पास पैसे नहीं हैं। लाभुक भी पैसे लेने के लिए लगातार निगम के चक्कर काटने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लग रही है।
रूपसागर की कांति देवी आवास योजना के लिए 2 साल से निगम के चक्कर काट रही है। सोमवार को भी निगम के आला अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इधर नगर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि समाप्त हो चुकी है। राशि आवंटन के लिए सरकार से पत्राचार किया गया है। साल भरी पहले से निकल के बल घर आता तो घर आने आल तो यहाँ आवश्यक कैसे कि बल 3 महीना के बाद बल घर आता बल पैसा बल नहीं आल आज बात तो होला। हाँ की बोले कलिए कि देखिए हमारे नाम यह है ना घर कहिया आते तो कल के कि बोले अखनी कि देखल के बल तब नाम छ बल पैसा नहीं आल छ या तो जखनी पैसा आता तो भेजी दे जिनको पैसा नहीं मिला वो विगत 10 दिनों से या कहिए कि 20-25 दिनों से पैसे की कमी है, इसके चलते हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार से भी हो रहा है कि आज जाएगा कल जाएगा पैसा आ जाएगा, बावजूद इसमें हमारे पास जो संभव था हमने 1 करोड़ रुपया इधर से दूसरे फंड से इंटरेस्ट का था हम डाइवर्ट करके भी लोगों को भुगतान किया, खास करके जिसका कि रहने के लायक हो जाए जिसका जो इमरजेंसी पेमेंट था वो हम लोग करा रहे हैं। अभी भी 2-4 ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी पेमेंट हम लोग करा रहे हैं। सर्वेक्षण में जो सोशल ऑडिट में आया कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि की प्रक्रिया की बात आई है, कोई बड़ा सा मुद्दा ऐसा नहीं आया कि लोगों ने पैसा ले लिया घर नहीं बना ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, ऐसा नहीं मुद्दा कि पैसा लेकर के कोई खा गया ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया। उस प्रक्रिया की कमी आई कि जैसे उसको भीतर का प्लास्टर नहीं किया तो उसके चलते हम लोगों ने 5th पेमेंट रोका, जो जनरली यही था 5th पेमेंट हम लोगों ने रोका। सरकार ने कहा कि 4 पेमेंट में ही भुगतान करना, हम लोग लोकल स्तर में उसको 5 पेमेंट में भुगतान करते हैं ताकि भीतर का प्लास्टर कर दे तो हो जाए। हम लोगों ने बाहर का प्लास्टर करने के बाद लाभुक उसमें रहना प्रारंभ कर दिया तो हम लोग उसको कम्प्लीट लिखा है तो उसी को ही लोगों का कहना है कि कुछ कंप्लीट नहीं है। प्लस जो सरकार का गाइडलाइंस था कि सूचना बोर्ड होना चाहिए, जो सरकार की तरफ से हम लोगों को निर्देशित था वो था नाम लाभुक का नाम, पिता का नाम, किस वित्तीय वर्ष में है, कौन सा वार्ड में है, क्या है, इनका कहना है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है और इसका कंट्रीब्यूशन सरकार कितना देती है वो भी लिखना चाहिए। ये गाइडलाइंस है नहीं, हम लोग सरकार से मार्ग निर्देश प्राप्त करें अगर होगा तो वो हम लोग उसमें वो भी लिखवा देंगे। ठीक है, कुछ ऑफिस के फाइल्स की प्रक्रिया को भी इन लोगों ने पैक किया, कुछ कुछ में क्योंकि बड़े पैमाने पर भुगतान होता है तो कहीं कहीं किसी किस का साइन छूटा हुआ है, कहीं कहीं कमी है। वो एक आध बातें आई जो 2015-16 की थी, उस पीरियड में कहीं से कुछ लोगों का शिकायत आई कि पैसा का भी लेन देन किया गया है, हमने 2 बातें कहा उसमें उसका ये भी हुआ निराकरण भी हुआ। वार्ड पार्षद ने खुद बोला कि हमको पता था कि ये आदमी ने लिया, हमने उसके सामने इसको पैसा वापस कराया, ये बातें भी आई। और किसी ने कुछ लिखा है तो हमने कहा कि सरकारी प्रावधान है कि वो आवेदन देंगे और एफिडेविट करके देंगे तो हम सीधे उस पर FIR कर देंगे, उससे हम हिचकेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए आकांक्षा न्यूज के साथ। नमस्कार। मेडिकल दुकानदार की हत्या के विरोध में भाजपा RSS उतरे सड़क पर, टावर चौक किया जाम, आवागमन घंटों रही बाधित। जाम को हटाने पहुंचे SDPO, कहा आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। समान काम समान वेतन की मांग पर जारी है मनरेगा कर्मियों का हड़ताल। और खादी मेला में रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, सामानों में भी आकर्षक छूट।